नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको शीर्षक से पता लग रहा है, सूरदास जी द्वारा रचित दो पद दिए गए हैं यहाँ पे, और सूरदास के पद शीर्षक के अंतर्गत हम इन दोनों पदों को पढ़ेंगे। सूरदास बेटा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास की गणना की जाती है और वात्सल्य रस की उनके द्वारा रचित पद तो मैं कहूँगी कि हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर है। वो एक तरह से सूर सूर तुलसी ससी अड़ुगन केशव दास अपके कवि खदोत्सम जहते करत प्रकाश, कि सूर तो सूर हैं ना, तुलसी ससी मतलब सूर जो है वो तो चमकता हुआ सूरज है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके द्वारा रचित ये पद कितने बहुमूल्य हैं। तो आइए आज के पाठ में हम इन पदों का सस्वर वाचन करेंगे और शब्दार्थ व्याख्या भी देखेंगे। देखिए पहला पद है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत है, यह अजऊँ है छोटी। तू जो कहती बल्की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेहें नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दो भैया हरि हल्दर की चोटी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये जो पद है इसमें आप देख रहे हैं कि बाल कृष्ण अपनी माँ से प्रश्न कर रहे हैं कि उनकी चोटी कभी कब बढ़ेगी। आपने देखा है बालहट में किस तरह से बच्चे अपनी माँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो माँ उनको रोज़ जो है ये कहती है कि तुम्हारी चोटी जो है जल्दी बड़ी हो जाएगी, तुम दूध पियो। तो उसी का इसमें वर्णन है। और जो दूसरा पद है वो देखिए, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दुपर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली केवारी पेठ ही मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन, अनुभावत भूई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोठा कोने ढंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। इस पद में गोपियां यशोदा से कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि तुम्हारे लाल ने हमारा माखन खाया, बर्तन फोड़े और जो है घर में जो है उपद्रव किया, और उनको उलाहना भी दे रही है कि क्या तुम्ही ने जो है अनोखा पुत्र जाया है, अर्थात तुम्हारे ही अनोखा पुत्र हुआ है, और तुम क्यों नहीं अपने बेटे को समझा करके रखती हो। अब कुछ कठिन शब्दार्थ देखे हम। देखिए ये है, पियत मतलब पीना, अजह मतलब अभी भी, और बल बल अर्थात बलराम के लिए आया है। बेनी होती है बेटा चोटी, लांबी मतलब लंबी और मोटी मतलब मोटी। काढ़त गुहत नहावत जेहे ना, काढ़त गुहत का मतलब है एक तरह से काढ़ना और चोटी बनाना। नहावत जेहे नागिन सी भुई लोटी, भुई मतलब होता है भूमि, लोटी मतलब एक तरह से लोटना ना फैलना। पियावत वही पीने के लिए आया है, पची पची मतलब बार बार ना। सूर चिरंजीवो, चिरंजीवो मतलब दीर्घजीवी हों, दो मतलब दोनों, हरी मतलब कृष्ण के लिए आया है, हल्दर हमको पता है बलराम को हल्दर कहा जाता है क्योंकि वे हमेशा हल अपने साथ रखते हैं, और जोटी होती है बेटा जोड़ी। ठीक है, अब दूसरे में हम देखें कठिन शब्दों को एक बार। दोपहर का मतलब है दोपहर, दिवस मतलब होता है दिन, ढूंढी ढंडोरी मतलब ढूंढते ढूंढते, आप ही मतलब अपने आप, किवारी मतलब होता है किवाड़, पेठी मतलब बैठ करके, सखनी खवायो, सखनी मतलब होता है जो उनके मित्र हैं, खवायो मतलब खिलाया, उखल जो कि आपकी ओखल होती है जिसमें अनाज कूटा जाता है, सीके होता है जो ऊपर छीका होता है जो ऊपर बांधा जाता है ना, छत से ऊपर बांधा जाता है जिससे कि कोई भी अनावश्यक रूप से नुकसान ना हो, किसी भी खाने की चीज़ को रख दिया जाता है, अनभावत जो मन को अच्छा ना लगे, भूई मतलब भूमि, ढरकायो मतलब गिरा दिया, गोरस होता है दूध दही दोनों के लिए आता है गोरस, ढोटा है बेटा, और हटकी मतलब होता है समझा के रखना, पूत मतलब पुत्र, अनोखो मतलब विचित्र। तो इस प्रकार से आप भी इसका सस्वर वाचन करें और शब्दार्थ व्याख्या पूर्ण करें जिससे कि आपको पाठ को समझने में जरा भी समस्या ना रहे। धन्यवाद।